स्टार प्लस की सीरियल झनक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हाई पॉइंट आने वाला है। शायद इसी का सभी फैंस को बेसब्री से कब से इंतजार था। अपुदी आकर झनक से कहेगी कि अनी तुमसे प्यार करता है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए खाना लाता था, तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाता था, वो तुमसे प्यार करता है। उतने में ही उसकी बात को काटते हुए झनक कहती है कि अपुदी, ये सब सर जी ने इसलिए किया क्योंकि वो मुझ पे तरस खाते थे, ना कि मुझे कोई प्यार व्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सर जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उतने में ही अनी यानी अनिरुद्ध भी वहाँ आ जाता है और वो झनक को ब्लेम करते हुए कहता है, तुम अपुदी को रेडी करने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो, नीचे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम अपुदी को लेट करोगी तो मेरी आशीर्वाद की रस्म कैंसिल हो जाएगी। अब झनक को ये बात समझ नहीं आती कि ये इल्ज़ाम अनिरुद्ध क्यों लगा रहा है झनक पर। तब झनक बहुत गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है, आप अपुदी को लेकर जाइए। उतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो अनिरुद्ध की बाहों में सीधा आकर गिरती है। अनिरुद्ध और झनक फिर से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उधर दूसरी ओर अर्शी अपनी माँ के पीछे पड़ी है, उससे बार बार पूछ रही है कि आखिर उसकी और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म में झनक को उसकी माँ ने क्यों इनवाइट किया है। उसे समझाते हुए उसकी माँ कहती है कि झनक को उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए झनक को मैंने इनवाइट किया है क्योंकि आजकल वो हवा में बहुत उड़ रही है। झनक तो हवा में उड़ेगी ही क्योंकि उसे तो अब अपने सपने पूरे करने कश्मीर जाना है, और अर्शी को अगर लगेगा कि झनक कश्मीर जाएगी तो अनी और झनक के बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका अनी झनक के पीछे पीछे कश्मीर भी पहुंचने वाला है। यही सब आप देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए हर अपडेट के लिए।